अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल मोहम्मद इरफान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बाउंटीफुल एंड मर्सीफुल। जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हम लोगों ने अप्लाई करना है किसके लिए जी, लैपटॉप स्कीम के लिए, और जो उसकी लास्ट डेट है वो है जी 20 जून। 20 जून के लिए हमने लैपटॉप स्कीम के लिए जो है ना, वो पहले पहले हमने उससे जो है ना वो ये अप्लाई करना है। मैं ये बिल्कुल एक डीपली तरीके से, डीपली मेथड से आपको समझाऊंगा ताकि आप जो है ना वो इसको थारोली देख कर और प्रोसीजर तक पहुंच सके। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सबसे पहले तो आपने गौर से देखना है। गौर से देखने के बाद कोई भी स्किप स्टेप जो है ना वो स्किप नहीं करना आप लोगों ने। फिर बाद अवकात ये होता है कि वो स्किप स्टेप जो है ना आप सीक्वेंस के साथ देखते नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये ऐसे ही व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने का ऐसा काम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग जब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंशाल्लाह जल्द आप लोग जो है ना वो अपने हिसाब किताब तक, जो आप जहां मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर या आपका जो पीसी है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है, आपने जाके उसके ऊपर आपने क्रोम खोलना है जी। गूगल क्रोम को आप लोग तो पता होगा, पर आप यूज करते हैं, सबसे पहले आपने वो खोलना है। और ऊपर ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर ऊपर आप लोगों ने जी लैपटॉप स्कीम के हवाले से ये जी आ गया है। देखें लैपटॉप स्कीम 2023 के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर आके आप लोगों ने ये क्लिक कर देना है जी। फिर इसके बाद देखें आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले ऊपर लिखी हुई है कि HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन है ये। फिर उसके बाद है PMY, यानी कि PM का मतलब है प्राइम मिनिस्टर यूथ, ये जो है ना लैपटॉप स्कीम के हवाले से है ये। फिर सारा है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आके सबसे पहले जो HEC वाला, जो ये आपके सामने नजर आ रहा है कि HEC वाली जो सबसे पहली पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने आके ऐसे क्लिक कर देना है जी। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वो बताएगा कि हाउ टू अप्लाई, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन बाय रजिस्टरिंग और अपडेटिंग प्रोफाइल एट द फॉलोइंग लिंक ऑफ स्टूडेंट्स सर्विस पोर्टल। देखें ये आपने क्या करना है, फिर इसके ऊपर ये देख लें आपका क्या खड़ा हुआ है, ये आप ग्रीन कलर में आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा क्या, ये जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास डियर स्टूडेंट से लिखा हुआ होगा ग्रीन कलर में, आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा, आपने बगैर सोचे समझे इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है जी। जब इस आपके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे आपको फिर कुछ इस तरह से ये पैटर्न मिलेगा। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आपने इनको जो है ना थरोली पढ़ लेना। इसमें एलिजिबिलिटी के हवाले से है कि कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, ये सारा का सारा प्रोसीजर आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके ऊपर आके आप लोगों ने ये वाला प्रोसीजर कर देना है। ये जब आप सारा का सारा प्रोसीजर थरोली पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने दोबारा ऊपर आना है। ये देखिए आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई नाउ, ये आपको नजर आ रहा होगा ये व्हाइट कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने इसी अप्लाई के ऊपर आके क्लिक कर देना है जी। ये देखें जी अब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। सबसे पहले आपने इधर तो अपने आईडी कार्ड का जो नंबर है आपने वो इधर सबमिट करना है जी। सबमिट करना यानी कि आपने उसमें बगैर डैश डाले आपने उसको सबमिट करना है, आपने उसको यहाँ पे एंटर करना है और बड़ी एहतियात के साथ। फिर उसके आपने ये जो लिखा हुआ है कि आई एम नॉट अ रोबोट, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है जी। ये देख लें आप लोग, ये इसके ऊपर आके आप लोगों ने क्लिक कर देना है। फिर इधर आप सबमिट की तरफ जब आप जाएंगे, ये सब सबमिट की तरफ जाएंगे आप लोग,
देखें जी, वो मैंने इधर वो फिलअप नहीं किया, इस वजह से वो पूछ रहा है कि आपने क्यों नहीं किया। तो आप जब इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, अब अपनी तरफ से कोई भी मतलब जो आपका होगा, आपका जो आईडी कार्ड नंबर है जी, आप वो अप्लाई उसके ऊपर कर सकते हैं जी। आपने इधर आके ये देखें जी, आपने इधर आके अपना वो नंबर डाल देना है जी। आपने इधर आके ये देखें, आपने इधर डालना है अपना आईडी कार्ड नंबर। ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ये आप कोई भी डाल सकते हैं। कोई भी मतलब ये नहीं होता कि आप लोग जो है ना, ये आपका जो अपना आईडी कार्ड नंबर होगा आपने वही डालना है जी। इसके ऊपर ये देख लें जी, और ये आईडी कार्ड नंबर आपने बड़ी एहतियात से डालना है। आपने ये देखें, अब दोबारा आपने आकर इधर आके वो जो है ना करना है, फिर उसके बाद आप लोग ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें जी, अब उसके बाद दोबारा से ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अगर आपको ये पढ़ने के बाद आपको ये पता लग रहा है, समझ आ रही है, तो आपने क्या करना है जी, आपने आके ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सारा कुछ, उसके बाद आपने इन तमाम दर चीजों को रीड आउट करने के बाद, थरोली पढ़ने के बाद, आपने अगर ये चीजें सबको आपको एक्सेप्टेबल हैं, तो आपने एक्सेप्ट एर कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें जी, ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई है जी। पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपने अपना नाम डालना है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है, फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस है आपका, डोमिसल प्रोविंस है, डोमिसल सिटी है। ये तमाम प्रोसीजर को स्टेप करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप स्टेप नंबर टू पे आ जाएंगे। ये देखें जी, आपका होगा एकेडमिक इंफॉर्मेशन। एकेडमिक ये होगा आपका इनरोलमेंट रोल नंबर होगा आपका जी, जो आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेन कैंपस है, जो भी है आपका उधर से होगा ये। फिर उसके बाद ये एड्रेसेस है, ये सारा कुछ आपने बिल्कुल बड़ी एहतियात से थारोली इसको जो है ना, आपने इसको बिल्कुल फिल करना है। ये जो भी सिस्टम वो आपसे पूछेगा, ये देख लें, ईयर है, सेमिस्टर कौन सा चल रहा है, इसमें सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है, जो कुछ भी है। फिर उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम क्या है आपका, परसेंटेज होता है या सीजीपीए होता है। अगर सीजीपीए होता है तो आपने यहाँ सबमिट करना है। जब आप यहाँ पे सीजीपीए सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपका ये परसेंटेज लास्ट एग्जाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट बनता है कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे, तो यहाँ पे अपना आपने सेल फोन नंबर क्या करना है, एंटर कर देना है। जब आप सेल फोन नंबर जैसे एंटर करेंगे, फौरन आपका जो है ना, उसी नंबर पे ऊपर एक क्या आएगा जी, वेरिफिकेशन कोड आएगा। जब वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपने उस वेरिफिकेशन कोड को जो है ना आपकी क्या करना है, आपने फिर वो इधर आके वो, जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो ये मांगेगा। फिर यहाँ पे आपने अपना जीमेल जो है ना वो आके आपने अपना यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे भी आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने फिर यहाँ पे वो भी यहाँ पे आपने सबमिट कर देना। फिर आप दोबारा आ जाएंगे, ये एंटर कैप्चा, ये आप जो है ना कैप्चा के ऊपर आएंगे आएंगे ना, आई एम नॉट अ रोबोट। तो इसके सारा कुछ करने के बाद एक बार फिर एहतियातन आप पढ़ लीजिएगा, तो ये फिर आपका सबमिट का ऑप्शन है। जब आप इसके ऊपर सबमिट करेंगे, तो आपकी जो ऑनलाइन लैपटॉप स्कीम है, उसमें जो अप्लाई करना है, वो आपकी हो जाएगी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अब ये आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल होंगे, तो आपको बाद में उसकी कंफर्मेशन का मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन ये जो अप्लाई करने का मेथड था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आप, भाई दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नए आए हैं तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया जी।